जो कि एमडी एंड सीईओ हैं मेड प्लस हेल्थ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंबर्स आए हैं, नंबर्स पहले मैं एक बार आपको स्क्रीन पर जरा दिखा देता हूँ, उसके बाद सर से क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे। तो आपकी जो नंबर्स पे स्क्रीन पे जो नंबर्स देख पा रहे हैं, उसमें रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है करीब 4%, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर स्लाइड आया, यानी कि गिरावट आई, और गिरावट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मार्जिन वगैरह भी हल्के से दबाव पर ही हमको देखने को मिले, 10 से 6% तक के मार्जिनस रहे हैं। बातचीत करने के लिए मिस्टर रेड्डी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर रेड्डी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जरा मेरे को आप डिस्क्राइब करेंगे सर, ये मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर क्यों आया सर? सो पहले से हम यही बोलते आ रहे हैं कि इंडिया में मार्केट यू नो एक्सट्रीमली फ्रैगमेंटेड है और ग्रोथ के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम यही अपॉर्चुनिटी देख के लास्ट ईयर 750 स्टोर्स ऐड करें और ये साल इन द फर्स्ट क्वार्टर वी एडेड 252 स्टोर्स। सो लास्ट वन ईयर में 12 मंथ्स में हम वी हैव एडेड नियरली 815 स्टोर्स बिकॉज there's a lot of new stores which are still you know maturing and still they have not you know achieved their full growth potential and all the overall margins are creating slightly reduced, that's all. So out of the 2980 stores for us today are roughly around that, roughly 45% of our stores are under 2 years. Hamara normally 2 years ke baad mein wo jo maturity level aata hai store ko, then it'll start giving the EBITDA which it is supposed to give. It starts realizing its potential. Given that almost half of the entire network is below that, that's why we are actually seeing the you know margin which is slightly under you know pressure out there. That's all. Fair point hai, kyunki inki costs jo hai wo upfront hoti hongi Mr. Reddy, shayad isiliye numbers mein शॉर्ट टर्म आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे एक्सपेंशन जब ऑन स्ट्रीम आएंगे और कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो आपको नंबर्स में एक बड़ा सर्ज मिलेगा। अगर आप ये बताएं कि नेक्स्ट 2 साल के आगे 23-24 के बियॉन्ड अगर हम बात करें, 2 साल आगे की टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी विजिबिलिटी क्या बन रही है, ये जो आप प्लान्स अपने एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन सब के चलते? मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोल सकता हूँ कि ये साल हम करीब 1000 के ऊपर ही स्टोर्स नए लगाएंगे पूरा कंट्री में, और हर स्टोर जो लगा रहे हैं हमारा अब आज तक भी यही हाल है कि विद इन 6 मंथ्स इट इज़ डिलीवरिंग यू नो इट इज़ 80% ऑफ आर स्टोर्स आर गेटिंग प्रॉफिटेबल एंड सो दैट कंटिन्यूज फॉर अस। एंड टिपिकली हमारा 2 ईयर्स के बाद जो ब्रेक इबिडा बनता है वो 10% के ऊपर रहता है एंड दैट ऑल्सो कंटिन्यूज। अभी नंबर्स के तरफ से बोलना है तो यू नो आई वुड से आई डोंट वांट टू पुट अ फॉरवर्ड दिस थिंग आउट देयर, बट यू कैन यू नो पुट इन अ नंबर आउट देयर एंड से फ्रॉम द 3700 crores विल प्रोबब्ली रीच अराउंड 4700-4800 crores आफ्टर नोट। सो दैट्स एन एस्टिमेट राइट नाउ फॉर द टॉप लाइन। ओके मिस्टर रेड्डी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि जो आप अभी एक्सपेंड कर रहे हैं, अभी तो खैर प्रेशर दिख रहा है बैलेंस शीट पर, बट आने वाले दिनों में प्रेशर ज़रूर कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट भी होगा, अच्छे से कन्वर्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।